Good morning. Good morning. We are going to Amer Fort. जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू गाइज कि आप जब भी कहीं निकलते हो जयपुर में देखने के लिए तो इट्स बेटर कि आप सुबह जल्दी निकले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है. एवरीथिंग इज गुड इन जयपुर एक्सेप्ट ट्रैफिक. ये है हवा महल और इफ़ यू वॉन्ट टू क्लिक सम नाइस पिक्चर्स इसके सामने ही रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह है ऊपर तो आप वहाँ बैठ के आराम से फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं. ये जल महल है और ये आमेर फोर्ट जाने के रास्ते में ही पड़ता है तो हम जब रिटर्न होंगे तब हम जल महल देखेंगे. बाकी ये पूरा रास्ता ऐसे जंगल वाला ही है एंड आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट ये सेम रास्ता में ही पड़ता है. हम लोग ऑलमोस्ट ये नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं. ये फोर्ट के नीचे का पार्किंग एरिया है. यहाँ से आप एलिफेंट भी ले सकते हैं, जिप भी ले सकते हैं. एलिफेंट इज़ 1100 रुपीज़ पर पर्सन और जिप इज़ वेरी रिजनेबल. इट्स नॉट एक्सपेंसिव मच. ये 550 लेते हैं. आपको फोर्ट में लेके जाते हैं, आपके लिए वेट करते हैं एंड रिटर्न आपको वहीं पे छोड़ते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होती है फोर्ट के नीचे. एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दे नो द रूट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और आप अपना गाड़ी लेके जाते हो ऊपर तो वहाँ पार्किंग मिलने का मतलब रिस्क होता है और आपको पार्किंग नहीं मिली तो यू हैव टू कम बैक. यहाँ से फोर्ट की एंट्री स्टार्ट होती है. सर, इधर से ऊपर जाना है. बाकी हमने एक गाइड लिया है, उनका नाम है पवन जी और ही इज़ अ वेरी गुड गाइड क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा फोर्ट है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है एंड टू नो अबाउट द हिस्ट्री सो इट्स बेटर टू टेक ए गाइड. दे चार्ज ओनली 200-300 रुपीज़. वेदर तो अच्छा है. वी आर वेरी लकी वी गॉट दिस वेदर. वेरी नाइस वेदर राइट तो जी. ये काफी सारे स्टेप्स है, आई देख रहे हो. ये जा रहे पवन जी हमारे गाइड, आगे आगे पापा इधर. सुमित इज बिजी विद हिज कैमरा. ये है सिंह पोल, लायन गेट. Artworks you can see in the walls and ceiling. These are all like 400 years old and these are all made with vegetable colors. सर तो मुझको बनाओ.
वो स्लैब के थ्रू है, उस नीचे आता तो है जो कि वो नहरों में कन्वर्ट होता है, और नीचे जो स्मॉल टैंक बना हुआ ना वो पानी उसमें इकट्ठा होता है, फिर ये पानी इधर से आता हुआ और गार्डन में आता था। इधर ये तीनों साइड में जो लेटिस है ये क्या है रानी का पैसेज है? पे जो कि लाइट नहीं होती थी वहाँ पे दीपक जलाते थे, और ये विंडो वेंटिलेशन के लिए साइड में लगा था, और ये लाइट से सब दोनों आने से lot of people and lot of walk also. ये हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बेसिकली रानी का व्हील चेयर लेके जाते थे, और ये जो वॉल्स है इट लुक्स लाइक मार्बल बट ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, एंड आर गाइड इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, बट मैं सारा दिखाने लग जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। Nice view from here. हाँ जी, ये जो फ्लावर्स है ये राजपूतों का निशानी है, इसको बोलते हैं सुहागे मंदिर, और ये जो स्टार्स बने हुए हैं ये मुगलों का निशानी है, इसको बोलते हैं वेलकम विंडो, जहाँ से नीचे बहुत अच्छे से दिखता है। एंड जो क्वींस होते थे वो लोग यही से ऊपर से ही जो भी आते थे उनको देखते थे। ये राजाओं के जमाने का ऑलवेज वेयर समथिंग कंफर्टेबल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। You can see from this window, see the boundaries and ये window है छोटी सी, यहाँ पे तीन ऐसे छोटे छोटे window है। ये है वॉच टावर, और यहाँ से फोर्ट का पूरा boundaries दिखता है, और ऐसे काफी सारे वॉच टावर है इस फोर्ट में। ये पुराने जमाने के टॉयलेट्स होते थे, उस टाइप के राजा महाराजाओं के टाइम के टॉयलेट। सी गेट है एकदम स्टेयर्स उतरने के लिए, है 12 रानियों के 12 अलग अलग रूम। This is like a meeting point for the queens. This is also again a 400 years old cooking pan, जिसको कढ़ाई बोलते हैं, जो अभी तक अच्छे से रखा हुआ है। ये भी उसी टाइम के ही है, इट्स लाइक ए फ्रिज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे पानी रख के जमीन में गाड़ देते थे कि पानी ठंडा। ये दरवाजे उसी टाइम के हैं, द ओरिजिनल डोर। द व्यू इज वेरी नाइस फ्रॉम हियर, है ना? तोशी फीलिंग स्लीपी। We are going back now, and it took us like 2 hours to see the fort. Bye, logo. बस अब आपने ये देखो ये ये हमारी जीप। बहुत बारिश होने वाली है, और हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, और रिटर्निंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जल महल देखेंगे,
तो ये है जल महल जिसमें आप अंदर तक नहीं जा सकते हो, आपको ऐसे बाहर से ही देखना पड़ेगा, बट द व्यू इज वेरी नाइस। अभी हम जा रहे हैं बिरला मंदिर। जयपुर इज लुकिंग वेरी नाइस एट नाइट बिकॉज ऑफ 15 अगस्त, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तोशी कहाँ जा रहे हो तुम? बिरला मंदिर। तो जी वापस घूमने आए। तो जी सुन ना बेटू, तोशी हेलो। ये है बिरला मंदिर जयपुर। बहुत लोग हैं अभी भी, शाम की 8 बज गए। हाँ यहाँ क्लिक कर लेते। हाय बेटू, बिरला मंदिर। हम आए हैं बिरला मंदिर। यहाँ पे अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो ये हम बाहर है। तो बाहर यू कैन मेक वीडियोज एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स। मैं तो यहाँ हम आए हैं पुराना पंडित पाव भाजी वाला, जो जयपुर में काफ़ी फेमस है। मीन्स ये बिरला मंदिर के एकदम बगल में ही है, रेड लाइट के पास। वैसे यहाँ पे पाव भाजी वाला काफ़ी सारे हैं पुराने पंडित के नाम से, लेकिन ये इसमें ना इनका फोटो लगा हुआ है, तो डैट इज़ द ओरिजिनल वन। आप देख रहे हो बहुत जोरदार बारिश हो रही है। तोशी एंड मी वी आर सिटिंग इन द कार ओनली, क्योंकि बारिश की वजह से हम बाहर नहीं गए। आओ और पापा और सुमित बाहर बैठे हुए हैं, तो वो लोग बाहर खाएंगे, मैं गाड़ी में ही खाऊंगी। राइट तोशी, क्योंकि मैं उसको लेके नहीं जा सकती, अभी बारिश हो रही है, हम लोग थोड़ा सा बारिश में गीले भी हो गए। राइट तोशी, हेलो टू एवरीवन। इसके बाद हम सोच रहे थे कि हवा महल जाएंगे, तो देखते हैं, बारिश रुकी तो फिर जा सकते, नहीं रुका तो फिर ऑब्वियसली जाके कोई फायदा है नहीं। ये है आपका पुराना पंडित पाव भाजी का पाव भाजी। दिस पाव भाजी वॉज रियली टेस्टी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग आवर वीडियोज। So see you on next Sunday with our next vlog, Jaipur Day 3.